के चला रहा है भाई। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रांची। सो इट्स डे टू ऑफ भुवनेश्वर टू नेपाल। आज है 8 जनवरी। सुबह सुबह उठ चुके हैं हम लोग, सारा काम ख़त्म, बस पैकिंग भी हो चुकी है, बाइक में लगेज लोड करना है। सुबह हम लोग शायद 4 बजे उठ चुके थे। फटाफट से हम लोग नीचे गए, अपना चेन क्लीन वगैरह हो चुका है, चेन लूप भी हो चुका है, खाली लगेज लोड करना बाकी है। एंड सुबह उठते उठते हमें पता चला आज 8 को इंडिया बंद है, इंडिया स्ट्राइक है। हम लोग को सुबह सुबह पेट्रोल मिल चुका है, हम लोग फुल करा के आ चुके हैं एंड 2 बॉटल एक्स्ट्रा पेट्रोल हम लोग अपने साथ कैरी कर रहे हैं। सो पेट्रोल का तो कोई टेंशन होना नहीं चाहिए। एंड गाइस, बात करते हैं रूम की। रूम डिसेंट था, हम लोग को अच्छे खासे प्राइस में मिला है। हम लोग ओयो में रुके हुए हैं अभी, रांची में। एंड आज का डेस्टिनेशन है मुजफ्फरपुर। 400 किलोमीटर है यहाँ से, NH का ही रास्ता है। अब एक बार नीचे चलते हैं, मैं आपको अपनी बाइक दिखा देता हूँ। अभी लगेज लोड हुआ नहीं है, एक बार बाइक दिखा देता हूँ आपको नीचे, हम लोग कहाँ पे पार्क किए हैं बाइक। ऑलराइट गाइस, सो अब मैं नीचे आ चुका हूँ पार्किंग में और मैं आपको फटाफट से बाइक दिखा देता हूँ एंड टॉप बॉक्स दिखा देता हूँ। टॉप बॉक्स मैंने अपना पूरा पैक कर चुका है, बचा है सिर्फ मेरे सैडल बैग्स, उसको लगाना है, टैंक बैग लगाना है, देन वी आर रेडी टू लीव। तो फटाफट से मैं आपको टॉप बॉक्स दिखा देता हूँ एंड मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ। ये है टॉप बॉक्स, इसके अंदर है मेरा ड्रोन बैग, मेरा ड्रोन, उसके नीचे ये देख सकते हैं मैं पेट्रोल कैरी कर रहा हूँ अपने साथ एंड पंचर रिपेयर किट। बस इतना ही सामान रहेगा मेरा टॉप बॉक्स में। एंड ये मेरे कैमरे का बैग, ये जाएगा यहाँ पे एंड ये होने वाला है पूरा बंद। सो गाइस, काम एकदम ही ख़त्म होने वाला है, फटाफट से मैं पैक कर देता हूँ और फिर निकलते हैं और मिलता हूँ मैं आप सीधा आपसे बाइक पे। ऑलराइट गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम द होटल। अभी हम लोग होटल से निकले हैं, टाइम है 7 o'clock इन द मॉर्निंग। फुली लोड हो चुके हैं, मतलब बाइक में सामान सब लोड हो चुका है। एंड अब खाली आज का डेस्टिनेशन है मुजफ्फरपुर। अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स है यहाँ से एंड रांची में अच्छी खासी ठंड है एंड अभी पूरा फ्रेश फील हो रहा है। अब फटाफट से हाईवे पकड़ते हैं, हाईवे ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, ठंड है, अच्छी खासी ठंड लग रही है। अभी यहाँ पे ऐसा हाल है तो पता नहीं अब काठमांडू में क्या होगा। स्ट्रेट 320 किलोमीटर्स, गया भी स्ट्रेट एंड आई थिंक हम लोग वाया पटना देख के जाएंगे मुजफ्फरपुर। रांची बहुत सुंदर प्लेस है एक्चुअली, हम लोग जहाँ जहाँ चाहे, लेकिन हम लोग का टाइमिंग गलत था। जब हम लोग पहुँचे शाम का टाइम था तो ट्रैफिक था बहुत, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड बहुत है यहाँ पे भुवनेश्वर कंपेरिजन में, काफ़ी तेज है ठंड। तो हम लोग काठमांडू में मिलेगी, पोखरा में मिलेगी। टैंक देख सकते हैं आप लोग, कितना बड़ा टैंक रखा हुआ है पूरा सामने। रास्ता बहुत ही अच्छा मिला हम लोग को अभी, अभी शायद हम लोग 10-20 किलोमीटर से कवर किए, लेकिन बहुत अच्छा रास्ता है। होपफुली आगे भी रास्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड पटना इज 295, वाराणसी इज 400, टॉल रोड। तो सामने आने वाला है टॉल। एंड बाय द वे गाइस, जब हम लोग भुवनेश्वर से कल रांची आए, हम लोग को टॉल गेट बहुत कम दिखे, शायद 1 या 2 ही टॉल गेट पड़े एंड टॉल गेट नहीं थे, मेरे को लगा उसकी वजह से रास्ता इतना ख़राब था, लेकिन कोई नहीं, आज हम लोग एकदम एंजॉय कर करके चल रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप क्या अमेजिंग रास्ता, हम लोग एकदम बहुत अच्छी खासी अपनी स्पीड मेंटेन कर रहे हैं इस रास्ते पे। पूरा ट्रिप में अगर ऐसा रास्ता मिल जाए ना यार, तो बस क्या ही बोलूँ, पूरा अमेजिंग रोड है, इतनी स्मूथ। सनराइज होने ही वाला है। अरे कुत्ते कुत्ते कुत्ते, राइट साइड से सनराइज हो रहा है, थोड़ी धूप निकले तो अच्छा लगे। गाइस इसका ट्रक का लोड तो देखो, ये ट्रक से 10 गुना बड़ा इसका लोड है एंड वो भी दो। वाओ गाइस, ऑलराइट गाइस, सो कोई भी बाइक ट्रिप बिना इस चीज़ के अधूरी है। सो अभी फटाफट से चाय पी लेते हैं एंड बहुत अच्छी चाय है, बगैर बहुत मीठी है, कोई नहीं चलता है। बाय द वे चाय फटाफट से पीते हैं और निकलते हैं, देरी हो रही है। एंड बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट मिल गया हम लोग को एंड चाय भी अच्छी थी, सबसे मेन बात उन्होंने एक जलेबी भी खिलाई, बहुत ही एकदम गर्म गर्म जलेबी थी लेकिन बहुत ही टेस्टी थी। सो ब्रेकफास्ट करके तो एकदम मज़ा आ गया, पेट एकदम भर चुका है अभी, तो खाली राइड करते जाना है, 400 समथिंग किलोमीटर्स है, तो
वो फटाफट से कवर हो जाएंगे। तो भाई चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक ब्रिज है, ब्रिज सुंदर है, नीचे वाला एरिया इतना सुंदर है नहीं। माउंटेन्स माउंटेन्स ट्रक्स ट्रक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं आज, अभी 10,010 है ओडो। एंड अभी गूगल मैप्स हम लोग को एक सिटी के बीच से लेके जा रहा है, यहाँ ट्रैफिक बहुत मिल रहा है हमें। मेरे को ये नहीं समझ में आया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्यों हम लोग को सिटी के बीच से लेके जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, गूगल मैप्स पर भरोसा करके हम लोग चल रहे हैं, ठीक ठाक पहुँचा देना चाहिए। तो रास्ता बहुत एक्सेस ख़राब है अभी एंड रोड्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, इसी की वजह से जाम भी लग रहा है। पीछे बहुत जाम था और अभी आगे भी ट्रक्स की पूरी लाइन है और इतने छोटे रास्ते में ओवरटेक करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन देख देख के ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग। ग्यारह बज चुके हैं एंड अभी थोड़े अच्छे रास्ते हम लोग को मिले हैं, बहुत अच्छे अच्छे कर्व्स आ रहे हैं और चलाने में मज़ा भी आ रहा है। बट नेवर नो, अभी अच्छे हैं, आगे ख़राब रास्ते भी ज़रूर आएंगे, लेकिन हम लोग को कन्फ्यूजन बस एक ही है कि हम लोग झारखंड में है ना बिहार में है, पता नहीं चल रहा है। कितने बड़े पहाड़ है और ये घाटी, पिछले 15-20 मिनट से हम लोग घाटी पर चल रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही है घाटी। ट्रक एक्सीडेंट, ओ शिट, देख सकते हैं पूरा ट्रेलर गिर चुका है। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम लोग घाटी से नीचे उतरे हैं एंड एक चीज़ दिखाता हूँ मैं अभी आपको। अभी इसको रेडी किए हैं, अभी ये टेक ऑफ करने वाला है, सो इसको फटाफट से टेक ऑफ करते हैं और अब सीधा आप देख लो ड्रोन शॉट्स। सो लंच हो चुका है कंप्लीट एंड खाना अच्छा था एंड आपको बाइक दिखा देता हूँ। बाइक यहाँ पे पार्क है, बाइक का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया हम लोग को। एंड गाइस बस वही था, यहाँ पे अभी खा रहे थे हम लोग, ख़त्म हो चुका है लंच, अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट। एकदम घटिया से घटिया से घटिया से भी घटिया जाम से हम लोग भी निकल के आए हैं। टोटल 10-15 किलोमीटर का जाम था, उसको ट्रैवल कवर करने के लिए हम लोग को लग गया 1.5 घंटे, लेकिन अब फाइनली हम लोग अच्छे हाईवे पे आ चुके हैं। तो अब फटाफट ये हाईवे कवर कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर इज मोर 110 किलोमीटर्स। फटाफट से मैं होटल पहुंचता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। ऑलराइट गाइस, सो मैं पहुंच चुका हूं अपनी होटल एंड आई एम स्टेइंग एट JK इंटरनेशनल। बहुत ही बढ़िया होटल है एक्चुअली एंड अभी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं कि होटल ये कैसा है एंड मेरा रूम वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो पहले मैं आपको बाहर का दिखाता हूं, फिर मैं आपको रूम दिखा देता हूं। गाइस, सो मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुका हूँ एंड अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। इट्स 7:30 PM राइट नाउ एंड फटाफट से हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कुछ अच्छा सा डिनर करते हैं, देन हम लोग फिर सोने को जाएंगे। कल सुबह फिर नेक्स्ट वील हेड टू काठमांडू टुमारो। अब फटाफट से रेस्टोरेंट चलें, चलो। ऑलराइट गाइस, सो डिनर हम लोग ने कर लिया, यहाँ पे किया देख सकते हो ऊपर, JK इंटरनेशनल, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था। द ओनली प्रॉब्लम वॉज थोड़ा एक्सपेंसिव लगा फूड, अगर आप यहाँ आ रहे हैं मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आइए रुकिए। हम लोग JK इंटरनेशनल में ही ये देख सकते हैं ऊपर, यहीं पे हम लोग स्टे कर रहे हैं एंड उसी का ही रेस्टोरेंट था, वहीं पे हम लोग रुके अभी डिनर किए। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया था। अब फटाफट से होटल रूम में चलते हैं, देन वापस बात करता हूँ। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अभी लॉबी में एंड आज की जो राइड थी ना बहुत ही अमेजिंग गई। सुबह हम लोग ने बहुत अच्छा स्टार्ट 7 o'clock तक स्टार्ट कर लिया था, थोड़ा लेट थी लेकिन चलता है। बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट हम लोग ने किया, उसके बाद आगे अच्छी अच्छी रोड्स भी मिली, बट उसके बाद जो रास्ता ख़राब हुआ ना वो थोड़ा ख़राब था, लेकिन जो वर्स्ट पार्ट था आज के दिन का वो है दोपहर में जो हम लोग को ट्रैफिक लगा, बहुत ही गंदा वाला ट्रैफिक था। वो 15 किलोमीटर्स कवर करने में हम लोग को लग गए अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर एंड बस वही प्रॉब्लम था, बाकी सब बढ़िया था। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। विद दैट सेड गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।